समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों। झांसी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 67वां जन्मदिन आज झांसी के स्थानीय विवाह घर में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी कैलाश पाल व अनीस राइन मंडल जोन इंचार्ज ने कहा कि बहन जी का जन्मदिवस आज हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हमारे समाज को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। यह सम्मान केवल बहन मायावती की सरकार में ही मिलता था और हम फिर से प्रयास करेंगे और मायावती को 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी एवं भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। झांसी से मनीषली की रिपोर्ट। आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती का जो जन्मदिन जो हम लोग जन कल्याण दिवस के रूप में मना रहे हैं उसका आयोजन हुआ है इधर पे कुंज वाटिका में, और उस उपलक्ष्य में सुबह हम लोगों ने फल वितरित भी किए थे और शाम को हम लोग जो है कम्बल का वितरित भी करेंगे और गरीबों को साड़ियाँ भी बांटेंगे। संकल्प ये लिया गया है कि हमारे जो वर्तमान में सरकार चल रही है उस सरकार को गरीब शोषित और पीड़ित लोगों को सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है, आगे आने वाले चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। इसकी सुनिए, बहन जी का 67वां जन्मदिन मनाया गया है और बहन जी के जो जन्मदिन जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे कि लोगों को बहन जी ने जो शासन किया है उसकी रूपरेखा हम लोग लोगों को तक पहुंचा सके। वैसी बहन जी के शासन काल में जो कार्य हुए हैं वो लोगों तक पहुंचा सके। बहन जी के शासन काल में हर वर्ग का बैकवर्ड हो चाहे SC हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, हर लोग खुशहाल थे। आज जो शासन चल रहा है उसमें लोग बड़ी दुखी, हमारी समाज के लोग या हमारे पिछड़ी जाति के लोग आज बहुत शासन होने का लोग वोट तो ले लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी के में जो पिछड़ों का तजब्बु था वो और किसी दल में है ही नहीं है। पिछड़ों का जो सम्मान मान सम्मान स्वाभिमान है वो बहुजन समाज पार्टी में है। देखिए, ये जो आज माननीय बहन जी का जो हमारी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 4 बार इस भारत देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की 4-4 बार सफल मुख्यमंत्री भी रही हैं, आज उनका 67वां जन्मदिन पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर मनाया जा रहा है। इसी क्रम के चलते आज ये झांसी जनपद में बड़ी धूमधाम से हमारी नेता का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और इस जन्मदिन में जो चूंकि ये जन्मदिन हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं, जन कल्याणकारी मतलब माननीय बहन जी की जीवन के संघर्ष को लोगों को बीच में ले जाकर बताते हैं और साथ ही साथ 4 बार की सरकार में जो चलाई गई जन कल्याणकारी जन जन हितैषी योजनाओं को माननीय बहन जी की योजनाओं को हम आम पब्लिक तक पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों को बताने का काम करते हैं। माननीय बहन जी को आज उनके 67वें जन्मदिन पर हमने आज सभी लोगों ने प्रण लिया है कि आने वाले निकाय के चुनाव में चाहे वो पार्षद हो चाहे वो नगर पालिका महापौर हो और आने वाले 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में हम अपनी नेता को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये आज हम सभी लोगों ने प्रण लिया है।